एक अलग अंदाज के मुख्यमंत्री, कॉमन मैन फॉर कॉमन मैन। स्वतंत्र भारत ने अपने विभिन्न राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, जिनकी अपनी अपनी खूबियां रही है। वैसे तो नेतृत्व की पहचान ही लोक निष्ठा, सेवा भाव एवं सामर्थ्य जैसे सद्गुणों में समाविष्ट है। फिर भी गुणवान व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को समर्पित रह के दशकों तक कर्तव्य भाव से अपनी सेवा यात्रा आगे बढ़ाता रहता है, तब लोक हृदय में उनका गौरव बढ़ता है, उनकी लोकप्रियता लोक आदर में परिवर्तित होती है और सहज रूप से सफलता का राजमार्ग उनको पवित्र जन कल्याण के लक्ष्य की ओर ले जाता है। हाँ, बात हो रही है सामान्य मानव के लिए सामान्य मानव बनकर ही रहने वाले गुजरात के अनोखे मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी की। सहज, सरल, संवेदनापूर्ण और निराभिमानी व्यक्तित्व, पारदर्शी, हिम्मतवान, पुरुषार्थी और कृतनिश्चयी नेतृत्व। परिवारजन, मित्र, स्नेही हो या संगठन के कार्यकर्ता अथवा हाईकमांड हो, विजय भाई के व्यक्तिगत संबंध हमेशा दीर्घकालीन संदेह से परे और आत्मीयता के ओज से पहचाने गए हैं। व्यवहार विश्व में प्रतिस्पर्धियों को भी प्रेम से जीतने की उनकी क्षमता राजनेता के रूप में उनको ज्यादा कार्यदक्ष सिद्ध करती है। मुख्यमंत्री के रूप में 1000 दिवस के कार्यकाल के बाद उनके शीघ्र प्रशासन एवं मानवीय पहलुओं की लोग प्रशंसा करते हैं। भाग्य विधाता ने कदम कदम पर विजय भाई की कसौटी की है और फिर आगे बढ़ाया है। युवा वैसे ही उनमें छिपी ऊर्जा और तेजस्विता को जनता जनार्दन ने परखा है। 2 अगस्त 1956 के दिन बर्मा के रंगून शहर में जन्मे विजय भाई ने गुजरात के राजकोट शहर को अपना वतन बनाया। शहर की प्रतिष्ठित धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज के अभ्यास काल के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में सक्रियता एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी वहन करके उन्होंने अपने अंदर छिपी नेतृत्व शक्ति का परिचय दे दिया था। आपातकालीन स्थिति के दौरान 11 महीने जेलवास के बाद 1976 में राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे युवा कॉरपोरेटर, सबसे युवा स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन एवं सबसे युवा मेयर होने का गौरव गुजरात के इतिहास में विजय भाई रूपानी के नाम है। केशुभाई पटेल के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब गुजरात सरकार में उन्होंने संकल्प पत्र अमलीकरण समिति के चेयरमैन रहते हुए सरकार और संगठन के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय हो चुका था, जनाधार मजबूत हो रहा था। उस वक्त सत्ता के गलियारों में स्वाभाविक राजनैतिक स्पर्धा के मध्य संयमित लोक सेवक बन के रहना अत्यंत कठिन था, मगर विजय भाई उस कसौटी से भी निष्कलंक पार उतरे हैं। उस वक्त गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण का आरंभ हो चुका था। राज्य में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अपने ही पक्ष की मजबूत सरकार होते हुए भी कोई भी सरकारी पद प्राप्त करने के मोह अथवा महत्वाकांक्षा से अलिप्त रहकर सेवा, संगठन और सहकार के मंत्र को समर्पित रहकर सेवारत रहने वाले श्री विजय भाई रूपानी को दूरंदेशी नेतृत्व के धनी और वाइब्रेंट गुजरात के वाइब्रेंट मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2006 में गुजरात राज्य प्रवासन निगम के चेयरमैन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। ये वही वर्ष था जिसे गुजरात सरकार ने प्रवासन वर्ष के तौर पर मनाने का आयोजन किया था। इसी वर्ष राज्यसभा सांसद के रूप में विजय भाई को पसंद किया गया। सांसद के कार्यकाल में उन्होंने सक्रिय संसद सदस्य के अतिरिक्त संसद की महत्वपूर्ण समितियों में भी सभ्य रहकर सेवा प्रदान की। उन्होंने गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड के चेयरमैन, राज्य विधानसभा के सभ्य तथा गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाया। विजय भाई रूपानी अर्थात कार्यनिष्ठा, कार्यक्षमता और कार्यदक्षता का त्रिवेणी संगम, उनकी सेवाओं की अनिवार्यता सरकार और संगठन दोनों के लिए अहम बनी रही। भाजपा हाईकमांड ने उन्हें 19 फरवरी 2016 को गुजरात प्रदेश प्रमुख की जिम्मेवारी सौंपी।
और केवल 6 महीने में ही उन्होंने भारत के प्रगतिशील राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 7 अगस्त 2016 के दिन शपथ ग्रहण किया। विजयभाई रूपानी की ऐसी राजकीय सफर और गौरव गाथा जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, पक्ष की हाईकमांड, रणनीतिकारों तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज नेताओं का विजय भाई के परिणाम लक्षी शुद्ध सामर्थ्य में अतूट विश्वास दर्शाता है। विजय भाई सिद्धांतों को जानते भी है और जीते भी है। सत्ता नहीं सेवा का अभिगम, अधिकार नहीं कर्तव्य की भावना, सफलता नहीं संतोष का आनंद, मेरी नहीं हमारी सिद्धि, भेदभाव नहीं सबको न्याय, सादगी और संस्कार जैसे विचार ऐसा ही आचार, यह सब चाहे व्यक्तिगत कहो या मुख्यमंत्री कहो विजयभाई रूपानी की कारकिर्दी का परिचय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से प्रभावित विजय भाई के पारिवारिक जीवन के अनेक पहलू जन सामान्य के लिए प्रेरक होते हुए भी आज तक अनजाने रहे हैं। उसका कारण व्यक्तिगत स्वप्रसिद्धि से दूर रहकर समाज सेवा करने की उनकी कार्यशैली है। वे तृतीय वर्ग शिक्षित और संघ प्रतिज्ञित स्वयंसेवक है। उनकी धर्मपत्नी अंजलि भान महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े ब्राह्मण परिवार की बेटी है। विज्ञान विषय में अनुस्नातक डिग्री के साथ गोल्ड मेडलिस्ट है। विद्यार्थी अवस्था में संघ की प्रवृत्तियों में साथ रहने वाले इस युगल ने विवाह भी संघ से अनुमति लेकर ही किया है। यह एक असामान्य उदाहरण है जिसकी प्रशंसा संघ वर्तूल में बड़े गौरव के साथ होती रहती है। विजय भाई की यशस्वी सफर में सच्चे मायने में सहधर्मचारिणी कही जाने वाले अंजलि बहन का प्रदान जरा भी कम नहीं है। निजी जीवन की सफर में विजय भाई और अंजलि बहन दोनों को विचलित करने वाली घटना थी उनके पुत्र पूजित की बाल्यावस्था में आकस्मिक और दुखद विदाई, जिसने नैतिक और धार्मिक विचारों के चलते उन दोनों के संवेदनापूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा उजागर किया। आज भी कोई दिव्यांग, गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद लोगों की समस्या सामने आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर विजय भाई सोचते हैं कि उसमें कैसे अविलंब मदद रूप हो सकते हैं। पुत्री राधिका और ऋषभ की सादगी को देखकर कोई यकीन नहीं मानेगा कि ये दोनों के पिता गुजरात के मुख्यमंत्री है। ये वही विजय भाई है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पारंपरिक संस्कारों के अनुसार एक भी वर्ष संघ परिवेश में रहकर गुरु दक्षिणा देना चुके नहीं है। दोस्तों के सुख दुख में हमेशा सहभागी रहे हैं। परिवार को प्रेम की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। उनकी जनसेवा के साथ जुड़ी कई घटनाएं लोगों के मानस पट पर अंकित है। कृतज्ञ भाव और कर्तव्य भाव से विजय भाई समाज के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। राजकीय क्षेत्र में सिद्धि का उच्च शिखर सर करते हुए भी उनके पांव धरती से जुड़े हैं। राज्य में मुख्यमंत्री पद के 3 वर्ष बाद गुजरात की जनता अब विजय भाई को राजनेता से ज्यादा लोकनायक की तरह ज्यादा देखने लगी है और ये साहजिक भी है। यही कारण है कि गुजरात में उनका शासन संवेदनशील, पारदर्शक, प्रगतिशील एवं निर्णायक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से वे शांत चित्त होकर स्वस्थ मन के साथ अर्थहीन शोर किए बिना धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वे भारतीय राजनीति के इतिहास में गुजरात के एक असामान्य मुख्यमंत्री और लोक सेवक के रूप में लोगों के हृदय में स्थापित हो जाएंगे। आज गुजरात के उनके करोड़ों चाहने वाले एक सुर में सही कहते हैं कि विजय ही विजय है, विजय से विजय है, विजय में विजय है, विजय है तो विजय है।